ऊपर का आदमी दुकान पे बैठना अलाउड नहीं है अभी। 65 साल के ऊपर का आदमी ना तो मेडिकल परपज से बाहर जाएगा, दुकान पे बदलाव रहेंगे, ये सुनिश्चित करिए। थोड़ा ये गाइडलाइंस है कि 65 साल से अधिक का आदमी पब्लिक प्लेस में बिना मेडिकल परपज के नहीं जाएगा। तो दूसरा आपके घर में है तो उनको लगाइए, यही गाइडलाइंस है कि 65 साल से ऊपर का आदमी, 10 साल से नीचे का बच्चा, गर्भवती महिला दुकान में रहेगी, ऐसे लोग नहीं। ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति हो तो वो दुकान चलाए, आप दुकान नहीं चला पाएंगे। और बाकी लोगों के लिए जो नौजवान लोग दुकान के अंदर, अगर वो मास्क नहीं लगा के रहेंगे तो दुकान बंद करा दी जाएगी, नहीं कर दी जाएगी। प्रकार की दुकानें हैं, हमने उनकी थोड़ी रोस्टरिंग की। ये हमने कल व्यापार मंडल, इंडस्ट्री एसोसिएशन और जितने भी तरह के यहाँ व्यापारियों के संगठन हैं उन सब से हमने कल बातचीत की कि किस प्रकार से वो सोशल डिस्टेंसिंग कर पाएंगे, और उनके जो सुझाव थे उसी के क्रम में हमने रोस्टरिंग की है। हमने कुछ दुकानें जो हैं वो तीन तीन दिन करके हफ्ते में अलग अलग दिनों पर चलाई हैं, और कुछ दुकानें जो एसेंशियल सर्विसेज या कमोडिटी की हैं उनको सातों दिन चलाई हैं। जिनको सातों दिन चलाई हैं उसमें कुछ में जो है टाइम रेस्ट्रिक्शन भी रखा है, ताकि जैसे कुछ दुकान जैसे मिठाई डाई की दुकानें हैं वो 2 से 6 बजे तक चलेंगी, और कुछ जैसे दवा की दुकान है वो सुबह से शाम तक चलेंगी। तो इस प्रकार से हमने टाइम का और डेज का रोस्टरिंग करके अनुमति दिया है, और उसमें कुछ जो कंपलसरी कंडीशंस हैं कि प्रत्येक जो दुकानदार है वो मास्क और ग्लव्स का जरूर प्रयोग करेगा, अपनी दुकान पे होम डिलीवरी का नंबर सामने डिस्प्ले करेगा, और यथासंभव जितना भी अधिक से अधिक हो सके वो होम डिलीवरी के माध्यम से कार्रवाई करेंगे। दुकानों के सामने गोले लगवा करके सोशल डिस्टेंसिंग कराना उनका दायित्व होगा। जितने भी लोग उनके यहाँ आते हैं वो आरोग्य सेतु का ऐप जो है उसको डाउनलोड खुद भी करेंगे, उनसे भी जितने भी उनके स्टाफ है, ग्राहक है, सबसे कराएंगे। ये आरोग्य सेतु का ऐप जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐप है, वो इसलिए है कि अगर कोई भी दुकान पे आने वाला व्यक्ति बाद में भी पॉजिटिव निकलता है तो उसके संपर्क में जितने लोग पिछले कुछ दिनों में रहे हैं उन सबको नोटिफाई किया जाता है कि आप उसमें खतरे की गत में, आपको अपना जांच पड़ताल करानी चाहिए। तो इसीलिए आवश्यक है कि जितने भी उनके स्टाफ है या कस्टमर्स हैं जिनके पास भी स्मार्टफोन है उन सबको जो है आरोग्य सेतु का ऐप डाउनलोड कराएं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि 65 साल से ऊपर का आदमी, 10 साल से नीचे का बच्चा और गर्भवती महिला जो है वो मेडिकल पर्पज के अलावा वो बाहर उनको जाना अलाउड नहीं है। तो कई दुकानदार ऐसे हमें दिखे हैं जो 65 साल के ऊपर के दुकान पर बैठे दिखे हैं, उनको हमने वार्न किया है कि वो दुकान पर नहीं बैठे, कोई दूसरा सदस्य जो दुकान का संचालन करे। तो ये सारी कंडीशन हमने लगाई हुई हैं और उसी का अनुपालन कराया जा रहा है। सेट के माध्यम से पूरे जिले में भी ये निर्देश जो है एसएसपी साहब ने प्रसारित किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिन में ये सारे कंडीशन अच्छी तरीके से पालन करेंगे। जो हमारा जनपद है अभी यहाँ कोरोना जीरो है, और इसमें हमारा जो बैरियर है, सीमाओं पर जो बैरियर लगे हुए हैं उसमें खास तौर से गाइडलाइन दी हुई है कि जो पासेस हैं उन पासेस जो डीएम पासेस जनरेट कर रहे हैं उसी के आधार में जो है वो एंटर करेंगे। दूसरा आपके मालवाहक वगैरह हैं उनमें कहीं किसी प्रकार की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उनको आने जाना आराम से दिया जा रहा है। शहर के अंदर भी बैरियर लगे हुए हैं और भ्रमणशील फोर्स लगातार है। जैसा डीएम साहब ने बताया कि हर दुकानदार को 5 कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन है कि मास्क खुद पहनेंगे और नाक को ऊपर चढ़ा के पहनेंगे। कई दुकानदार देखे जा रहे हैं कि मास्क नीचे लगा दे रहे हैं, मास्क को नाक पर चढ़ा के पहनेंगे। दूसरा कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले लगवाएंगे दुकान के सामने। तीसरा होम डिलीवरी का नंबर जो है डिस्प्ले करेंगे। चौथा आरोग्य सेतु ऐप जो है उसको डाउनलोड कराएंगे। और पांचवा कि जो वृद्ध हैं, खासतौर से हमारे जो वृद्ध दुकानदार हैं या जो बच्चे हैं उनकी देखते हुए उनको खासतौर से राय दी जा रही है कि यंग लोग की दुकान पर बैठें, क्योंकि ये जो है ज़्यादा वल्नरेबल कैटेगरी है। तो ये जो 5 कंडीशन है इसको हमारे सारे सीईओ, एडिशनल एसओ सभी को जो है ये कंडीशन बताई गई है। इसके अलावा जो हमारे गांव में और मोहल्लों में डीएम साहब ने ग्रामीण समिति बनाई है उसमें बीट कॉन्स्टेबल प्रतिदिन हम लोगों को सूचनाएं दे रहे हैं कि गांव के अंदर में ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो नए आए हैं या आए हुए हैं और उनके लक्षण हैं, या ऐसे व्यक्ति जो होम क्वारंटाइन को जो है वो लगातार सो रहे हैं। तो ये सभी मामले दुकानदार हों या हमारे जो नागरिक हैं या जो हमारे होम क्वारंटाइन जिनको किया हुआ है सभी पे मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। अयोध्या में ऑलरेडी 2000 के ऊपर हम लोगों ने मुकदमे लगभग दर्ज किए हैं अभी तक, और लगातार विधिक कार्रवाई हमारी चालू रहेगी। यदि कोई व्यक्ति डबल सवारी भी यदि मोटरसाइकिल निकल रहा है प्रयार कारणों से और तो उस पर भी हम लोग विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। शराबों की दुकानों पर बहुत लंबी लाइन लगी है, इसको देखते हुए आपने किस तरीके की व्यवस्था कर रखी है? देखिए जो शराब की दुकानें थी उसके ऊपर में ऑलरेडी जो है बल्ली और रस्सी की व्यवस्था करके और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया गया है। दुकानदारों को भी चीज बताई गई है
और बाकी जो दुकानदार हैं उनको भी ये सारी चीजें बताइए। रोस्टर सिस्टम चालू किया गया है, आधी दुकानें आधे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें आधे दिन खुलेंगी, तो डीएम साहब के आदेश अनुसार उसको भी पालन कराया जा रहा है। सोशल डिस्टेंस ध्यान रखते हुए बाइक पे बैठेंगे? देखिए ये गाइडलाइन है कि बाइक पे एक सवार अलाउड है, तो उसमें एक सवार ही हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसका पालन भी लगभग 95% जनता कर रही है, और जो नहीं पालन कर रहे हैं तो फिर उसमें कार्रवाई की जाए। ओके, थैंक यू सर।